Good morning, good afternoon. I'm Sargam, the nutritionist from Cookpad, and very happy to see you all once again. So, aaj hamara topic hai food around kids. Bacche jab grow kar rahe hote hain, that is one of the most important feature of their life, and those are the most important years of their life, क्योंकि इस time में जो उनको nutrition मिलता है वो सबसे ज्यादा importance का होता है. How and when it needs to be, how and when you need to give them the right food, and ये इसी time, इसी दौरान ये time होता है कि ये आपका सबसे ज्यादा portion और सबसे ज्यादा nutrition इस टाइम में अब्सॉर्ब करते हैं. सो आई एम हियर टू टेक योर क्वेश्चंस डाउन, एंड जिस तरह का भी आपको अगर आपके जो भी क्वेश्चंस हो मुझसे पूछेगा, एंड आई विल लेट यू नो. इतने बीच में मैं आपको बताती रहूंगी कि किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और बच्चों को किस तरह का पोषण देना चाहिए और किस तरह का आहार देना चाहिए. जो छोटे बच्चे होते हैं, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि दे इन्फेंट्स, यानी कि बहुत ही छोटे बच्चे, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि 0 to 6 months में, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर बच्चा पैदा जब होता है तो उसका अगर वेट 2.7 होता है तो 3 to 4 months में उसका वेट डबल हो जाता है. सो अराउंड से बाय द एंड ऑफ 6 months हिज वेट इज और हर वेट इज डबल दी एक्चुअल वेट. और जब एक साल पूरा होने को आता है तो द इन्फेंट इज ट्रिपल द वेट, यानी उसका वेट 3 गुना हो जाता है. सो डेफिनेटली इस टाइम में इस बच्चे को आहार, यानी कि न्यूट्रिशन की सबसे ज्यादा और पोषण की सबसे ज्यादा जरूरत होती है. एंड दिस इज द टाइम जब दे कैन रियली डाइजेस्ट प्रोटीन वेरी वेल. इनसे प्रोटीन बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और यही सबसे बेस्ट टाइम है जब माँ का दूध एक बच्चे को मिलता है जिसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन रहता है. सो ये बात भी इन्फेंट की. धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं. हाय नीलम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. एंड अब हम आगे बढ़ते हैं. 6 महीने के बाद हम शुरू करते हैं सप्लीमेंट्री फूड्स. सप्लीमेंट्री यानी कि जो हम ऊपर का खाना देते हैं. धीरे धीरे 6 महीने के बाद शायद बच्चा, डिपेंड करता है कि माँ के पोषण के ऊपर भी, कि कब वो वीनिंग कर दे, यानी कि दूध छोड़ दे माँ का लेना. धीरे धीरे इसलिए हम 6 महीने के बाद उसका न्यूट्रिशन फ्रॉम सप्लीमेंट्री फूड से कंप्लीट करते हैं. सो हाय अंजना, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. Welcome to Cookpad, and then we go on after 1 year to 2 years. 1 to 6 years we have to understand that these are the growing years of a kid. 1 से 6 साल के बच्चे के growing years होते हैं. इस time में जो इनको पोषण लेना चाहिए, इस time में जो इनको nutrition लेना चाहिए, वो in fact is the most important factor in their life right now. From calories भरपूर होनी चाहिए. protein has to be somewhere around 2 grams per kilogram. Hi Asifa, welcome. And so yeah, 2 grams per kilogram for a kid's protein from 1 to 6 and 1 to 6 years. And definitely inka vitamin A and all kind of vitamins, minerals, fats and really good calorie खाना इनके लिए बहुत बहुत जरूरी होता है. और एक से तीन साल के बच्चे जो होते हैं, जिनको हम प्री स्कूलर्स कहते हैं, इस टाइम में इनको डेफिनेटली आयरन की बहुत जरूरत होती है. सो हम आयरन इनको दे सकते हैं फूड्स जैसे राइस फ्लेक्स. We can give them iron from egg yolk. अगर बच्चा egg खाता है, so complete protein in egg yolk. Then इस time में ऐसा होता है कि इनको कीड़ों की भी problem हो सकती है, problem of hookworms. So इसलिए जब ये अगर problem होती है तो anemic होने के reasons ज़्यादा हो जाते हैं. So it's very important कि इस time में green leafy vegetables and vitamin A rich vegetables and iron rich
foods like flakes and everything, rice flakes and all these things are very important to incorporate ek meal mein. So hi Vimi, welcome to Cookpad. And so these are the things that we have to remember कि हमें क्या पैक करने होते हैं और क्या देना पड़ता है, क्योंकि दूसरी चीज है जब हम सोचते हैं कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल में देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो हम फेस करते हैं कि बच्चा शायद खा नहीं रहा है, टिफिन बॉक्स वापस आ रहा है, एंड बहुत टाइम होता है कि हम सोचते हैं कि यू नो कि इट्स फाइन कि बच्चे को जल्दी से खिला दो एंड इट्स फाइन, बट ये इस टाइम का हाय अंजलि, हाय मीना, सो ये इस टाइम की जरूरत होती है कि इसको एग्जैक्टली बच्चे को आप एग्जैक्टली किस तरह की बिहेवियरल एस्पेक्ट में लेकर आ रहे हो. फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने अपने लाइकिंग्स की आपने बात की कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, तो बच्चे को ऑटोमेटिकली ये खाना नहीं पसंद आएगा. सो आप अपनी लाइकिंग्स उसके सामने अगर डिस्कस करोगे, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, द बच्चा विल लर्न द सेम थिंग. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि शुरुआत से, बहुत सी माओ की प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सी पेरेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि मेरा बच्चा नहीं खा रहा है, स्पेशली इस एज में. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस एज में जो आपके बच्चे के खाने की आदतें बन गई वो शुरू से लेके आखिर तक रहेंगी. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, आई मीन अंटिल दे ग्रो, यू नो. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसी टाइम में आप उनको इनकल्केट कीजिए कि पौष्टिक खाना क्यों जरूरी है और एंड ये पौष्टिक खाना क्या कर सकता है. एंड यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जंक फूड तो एक टाइम में जब बच्चा शुरू करेगा तो दैट किड विल नेवर स्टॉप ईटिंग. सो इन द बिगिनिंग ओनली आप उनको समझाइए इसका महत्व. एंड किड्स आर वेरी स्मार्ट, दे फ्रॉम द टाइम दैट दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग. सो दे वेरी स्मार्ट एंड दे विल पिक अप योर ईटिंग हैबिट. सो आपको बहुत सतर्क रहना है कि आप उनके सामने क्या खा रहे हो और कैसे खा रहे हो. So yes, Neelam has a question ki mera baby 3 years ka hai but bahut try karti hu, chapati nahi leta hai aur vegetables bhi nahi, even khichdi ya dalia bhi add karu to nikal dega. Okay, pehla to Neelam, aapka bachcha is in the bracket of 1 to 3 years and 1 to 6 years mein, 1 to 6 years ke beech mein bahut time aisa hota hai jab bacche zyada tar bimar bhi padte hain, so unke khane ka jo palate hota hai that also changes. So kya hota hai isme, आपको जैसे आप कह रहे हो कि बच्चे को दलिया भी नहीं पसंद है, बच्चे को कुछ भी नहीं पसंद है, रोटी भी नहीं पसंद है, तो आप पहले ट्राई कीजिए कि आप बच्चे को फॉर एन एग्जाम्पल आप उसको मॉल्ट देने की कोशिश कीजिए, रागी मॉल्ट. एक बार में आप उसको या तो 2-3 बार एक हफ्ते के लिए आप यही ट्राई कीजिए देने के लिए. कोई भी खाना जो आप ट्राई कर रहे हैं देने के लिए उसको आप लगातार 3 या 4 दिन तक ट्राई करते रहिए, उसके बाद चेंज कीजिए. बिकॉज देन बच्चा इज अ वेरी स्मार्ट टू अंडरस्टैंड कि मैंने आज थूक दिया कल मुझे कोई दूसरी चीज मिलेगी तो मैं ये कैरी ऑन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दे नीड टू अंडरस्टैंड कि आज मुझे ये मिला है, ले देखिए मुझे कल भी यही मिलेगा. Yeah, again after this he will get or she will get. So अगर वो नहीं खा रहा है आप ट्राई कीजिए, ये मतलब उसका पैटर्न बन रहा है. अगर तबीयत खराब हो तो ये दूसरी चीज है. पहले बार में जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपने उसको दलिया दिया, अब आप कह रहे हो उसको शायद दलिया नहीं पसंद आ रहा है. सो इन केस अगर उसको दलिया नहीं पसंद आ रहा है, आप पहले दाल का पानी देना शुरू कीजिए. ट्राई गिविंग हिम दाल का पानी और ट्राई गिविंग हर दाल का पानी एंड धीरे धीरे दाल का पानी उसमें थोड़ा सा नींबू, थोड़ा उसको स्वादिष्ट बनाइए, उसमें घी का तड़का दीजिए और पिलाइए. हमेशा याद रखिए कि जब बच्चे को हम खाना खिलाते हैं तो वातावरण एकदम काम होना चाहिए, यू नो इट हैज टू बी वेरी क्वाइट एंड नाइस. और कहीं पे बाकी कोई चीजें, बिकॉज फॉर देम ईटिंग इज अ टीडियस वर्क, उनके लिए खाना मतलब एक काम ना हो जाए.